नमस्कार नुआ सकाळ रे सब चासी भाई भणी मानकु अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु इति स्मृति आपण मानकु स्वागत करूछि। एबे आसंत जिबा कार्यक्रम को आउ जानिबा मुख्यांश गुडीक। वैज्ञानिक पद्धति रे रबी मुग चास। उन्नत प्रजातिर कड़कनाथ कुकुड़ा पालन। चाषी भाई बहन बर्तमान आमर धान अमल सरी जाइए। बर्तमान आमर जो शीत दिनिया फसल सब चाष करा से आम जब देखा मुख्यतः डाली जातीय फसल चाष करा जाए। आम भी देखुचे जे बहुत जगार आम देखीचे जे आस्ते आस्ते मुग बिहन जी अमल पाइबा कथा आम ठीक से पाईपना कारण आम विभिन्न प्रकार कारण तार रही से मुख्यतः आम अधिक अमलक्षम बिहन व्यवहार करूनी बा ठीक टाइम मिलूनी एवं रोग पोक समस्या आउ वैज्ञानिक प्रणाली रे जो सब ज्ञानकौशल रही से गुड़ आम ठीक से प्रयोग बा प्रयोग कर फल कि आम मुग फसल आम बहुत गुड़े अमल धीरे धीरे कमुच तेणु ताकू आम आखि आगे रखी आमको किमी मुग फसल को अधिक अमलक्षम मानने अधिक अमल पाईपर से विषय में आम आज आलोचना करवा। आज बर्तमान यहाँ आम धान अमल सरी जाइए तेणु आम यथासम्भव जो रही बिहन भल किसम से गुड़क बाछवाक पड़ो जेकोसी फसल अमल वृद्धि करने बिहन हूँ तार मुख्य उपादान तेणु बिहन को सठिक मात्रा आम जब सिलेक्शन करवा चयस करवा आमर अमलटा भल पाईपर। आजिकल आम देखुचे बहुत गुड़े अधिक अमल अमलक्षम बिहन जमीक आपणकर आईपीएम 02-3 आईपीएम 02-14 बा टर्म 1 हो कि पीडीएम सीरीज्र हो जेकोसी किसम आपड़ आपे सांगे नहीं आसतु एवं आने पूर्व आम जानते आम जमी को गोटे जदि गोटे एकर चाष आम करूचे तेल आमको 8-10 kg मंजी दरकार पड़े तेणु से 8-10 kg मंजी को आम कौन करवा। आजिकल आम देखुजे विभिन्न प्रकार चाष कार्य बहुत गुड़ा समस्या रोचे तेणु आम बिहन को विशोधन करने सब प्राधान्य दे था बिहन विशोधन किपर करेंगे ना आम आजिकल देखुए आम विभिन्न प्रकार केमिकाल औषध मिलू जमी आपणकर बाबिस्टिन हो भिटाबक्स पावर होता गोटे के जी मंजी प्रति 2 gram हिसाब से आम विशोधन करवा मंजी विशोधन केमिकाल बाबिस्टिन भिटाबक्स पावर कलापर तार 7 दिन पर आम जीवाणु सार द्वारा आम उपचार करवा जीवाणु सार आप विभिन्न प्रकार जीवाणु सार अच्छी तेणु डाली जातीय फसल आमर जो उपयुक्त जीवाणु सार होता हूँ राइजोबियम कल्चर तेणु से राइजोबियम कल्चर को गोटे के जी मंजी प्रति 20 gram हिसाब से गोलाई ताकू बिहन बुणवार पूर्व भिटाबास पावर मंजी विशोधन कर 7 दिन पर बिहन बुणवार पूर्व गोल सही सुख आम बुणवा तेणु ताकू आम राइजोबियम बुणवा राइजोबियम बिहन उपचार करवा एवं आपण चाहिए फस्फो कल्चर भी व्यवहार करें गोटे के जी मंजी प्रति आपंकर 25 gram जदि गोटे एकर पर चाष कर 10 kg मंजी ने 250-250 gram हिसाब से लगे नहीं कि गोटे पात्र नहीं पानी देकर जमी देखिए तार गोटे आस्तरण से मंजी उपर रही सुखी बिहन को बुणवे आम जमी को भल भाव चाष कर 3-4 चाष कर आम पूरा मटी को गुंड करदे बिहन बुणापी आजिकल आम साधारण देखुचे चाची भाई मैंने मुख्यतः छटा बुणा करेणु छटा बुणा कला फल आमको बहुत गुड़े परिश्रम करा पड़ता है कारण बहुत गुड़े आपणकर श्रम नष्ट कारण घास बाच बाछी हुए नहीं भितर पशी हुए ना एवं बहुत गुड़े मंजी भी लगी थाए तेणु आम आजिकार जुगे आम धाड़ी बुणा पर बेस गुरुत्व दूचे तेणु आपणकर विभिन्न प्रकार धाड़ी बुणा जंत्र भी आपणकर बर्तमान मिलला मार्केट से गुड़िक व्यवहार करें ना लंगल सियार पचर आपड़ धाड़ी में पकई पारे धाड़ी पकड़ापे आपन को धाड़ी धाड़ी 25 गछ गछ 10 cm व्यवधान में आप पकई पारे जहाँफल कि आपणकर गछ धाड़ी दूरता ठीक रोज जोटा आपणकर परवर्त समय जो कोढ़ाकोसा करेंगे अंतचाष करेंगे से गुड़िकापे आपन को अधिक सहयोग कर साज कर जो श्रम खर्च भी बहुत मात्रा कम
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟା ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟକୁ କମ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅମଳକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଣିଆ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଥା ଚିନ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସାର ପ୍ରୟୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଏ, ଏଥିରେ ମୁଁ କହି ରଖିଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାଟିରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପରିମାଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, କେଉଁଟା ବେଶୀ ଅଛି କେଉଁଟା କମ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ DAP ସାଧାରଣତଃ 35-40 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏକର ପ୍ରତି ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଧାଡ଼ି ବୁଣା ହେଉ, ବିହନ ବିଶୋଧନ ହେଉ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିସମ କେମିତି ବାଛିବେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 80% ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା କୃଷି ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିପରି ଏକ କୁକୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗର, କଳା ମାଂସ, କଳା ଅଣ୍ଡା ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର କଳା। ଏହା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ହିତକର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ। କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ କଳା ରଙ୍ଗ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା, ତାହାକୁ କାଲାମାସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୂଳତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଝାବୁଆ ଏବଂ ଧାର ନାମକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ବା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାରେ ଖାଦ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ, ଯେପରିକି ପୁଷ୍ଟିସାରର ମାତ୍ରା। କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାରେ ଏହାର ମାତ୍ରା 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାରେ ଏହାର ମାତ୍ରା 20-21% ହୋଇଥାଏ। ଚର୍ବିର ମାତ୍ରା କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାରେ ଖୁବ୍ କମ୍, ସର୍ବାଧିକ ଏହାର ମାତ୍ରା ମାତ୍ର 1% ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିରେ ଚର୍ବିର ମାତ୍ରା 13% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଏସିଡ୍ ଲିନୋଲେଇକ୍ ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏହାର ନାଁ ଶୁଣିଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ନାଁ, ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ବିପଜ୍ଜନକ। କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସରେ ଏହାର ପରିମାଣ ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ ମାଂସରେ ମାତ୍ର 180 ମିଲିଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାରେ ଏହାର ମାତ୍ରା 220-250 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ ମାଂସରେ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ମାତ୍ରା। ଯେହେତୁ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ, ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ସେବନ ପରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ଥିଗତ ବା ବୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ଜଣେ ସେବନ କରିପାରିବ। କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ, ସେହିପରି ତାହାର ଅଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅଣ୍ଡାର ସାଇଜ୍ଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡାର ସାଇଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଛୋଟ ଆକାରର ଅଣ୍ଡା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଣ୍ଡାରେ ଖାଦ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ପରିମାଣ ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡବଥା ଯେପରିକି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଣ୍ଡା ଜଣେ ସେବନ କରିପାରିବ। ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଣ୍ଡା ସେବନ ଲାଭକାରୀ, କାରଣ ଆମର ରକ୍ତରେ ଥିବା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ଏହି କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ସେବନ ପରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କଡ଼କନାଥ ହେଉଛି ଏକ ସହନ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କୁକୁଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ଟାଣୁଆ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା। ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଯେପରି ଖରାଦିନର ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଶୀତଦିନର ଖୁବ୍ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ସେହି ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା
सॉफ्ट बा कोमल हो जाए था किंतु कड़कनाथ कुकुड़ा से भाया समस्या देखा जाए नापम्रा अधिक हेले मृत्यु घटि न था कि यार खाद्य परिमाण कम हो न था तेणु प्रतिकूल परिवेश थिबा स्थान रे मध्य एहाकु जने पालन करि पारिबो। एतद् व्यतीत एहाकु पालन करिबारे खर्च मध्य कम होइतै कारण घरु बाहरुतबा बर्ज्यवस्तु कु खाइ मध्य एही कुकुडा निजर शरीर रे ओजन वृद्धि करितै। तेणु चासी भाई माने निजर बाड़ी अगणा रे घर अगणा रे कम संख्या रे मध्य एही कुकुडा पालन करि पारिबे। 10 रु 15 टी कुकुडा कु जने निजर बाड़ी अगणा रे बा घर अगणा रे पालन करि पारिबो। केट उपयोगी वयस रे कुकुडा रे ओजन साधारणतः गंजा रे ओजन 2 रु 2.3 किलोग्राम होइ बेले माई कुकुड़ार ओजन 1.8 रु 2 किलोग्राम पर्यंत होता है। 20 सप्ताह बयस बेलू कड़कनाथ कुकुड़ा अंडा देवा आरंभ करिथे एवं वार्षिक साधारणतः एही कुकुड़ा 120 पर्यंत अंडा देथे। एही कुकुड़ार पालन अन्य प्रजातिर कुकुड़ा पालन सहित संपूर्ण भाव समान प्रथम 21 दिन पर्यंत एहाकु ब्रूडिंग करिया पड़िबो। एथिपाई घरे तसु पकेई आलोक उत्सर व्यवस्था करिया पई पड़िबो एवं 21 दिन मध्य 3 गोटी टीकाकरण करिबा निहाती रूपे आवश्यक। सप्तम दिन में रानीखेत डिजीज रानीखेत रोग पई टीकाकरण 14 दिन में गुंबोर रोग पई टीकाकरण एवं 21 दिन में से गुंबोर रो बूस्टर टीका जणे देई पारिबो। 21 दिन पर चासी भाई माने चाहिले तांकर बाड़ी अगणा रे एही कुकुड़ा को कम खर्च रे पालन करि पारिबे। चराबुला करिबा सहित जदि जणे कड़कनाथ कुकुड़ा को घरे एजोला चाष करि जदि देबो एजोला रे जेहेतु पुष्टिसार रो मात्रा अधिक थाए तेबे एजोला खाइले कड़कनाथ कुकुड़ा रो शरीर रो ओजन रो वृद्धि हार अधिक होइता एवं अंडा मध्य आपेक्षिक भाव रे अधिक देइथाए। आमर गाँ मानक देखा थिबा युवक माने एवं महिला स्वयं सहायक गोष्ठी माने एही कुकुड़ा पालन करी लाभवान होई पारिबे। जेहेतु मु जेपर पूर्वरु कहिली जे कड़कनाथ कुकुड़ार मांसरे एवं अंडारे औषधीय गुण रही यार सहन शक्ति अधिक रही तेणु यार बजार रे चाहिदा मध्य अधिक एवं यार दाम मध्य मार्केट रे प्रति किलोग्राम कुकुड़ा 500 रु 800 टंका मूल्य रे बिक्री होइथाय। एबे गोटिए छोटिया बिरतीर समय बिरती परे रहिछि। वैज्ञानिक पद्धति रे नाली बंधाकोबी चाष विषय रे बिरती परे आपण मानको पुणी थरे स्वागत। आम राज्य रे फुलकोबी बंधाकोबी और ओलकोबी चाष होइथाय। आम देश रे बंधाकोबी एक मुख्य परिवार रूपे व्यवहार होइथाय। साधारणतः बंधाकोबी दुई प्रकार रो होइथाय, गोटिए सबुज और नाली बंधाकोबी। नाली बंधाकोबी चाष वैज्ञानिक पद्धति रे किपरि करिले चासी भल अमल पाइपारिबो सेई विषय रे जाजपुर जिलार कृषि विज्ञान केन्द्र रो उद्यानविद प्रार्थना महांती कोन परामर्श दैछन्ती आसंतु जानिबा। आम राज्य रे बंधाकोबी फुलकोबी ओ ओलकोबी चाष करा जायथाय। आम देश रे बंधाकोबी चाष बहु परिमाण रे लोके शीत दिने चाष करिथान्ती। साधारणतः बंधाकोबी दुई प्रकार होइथाय, गोटिए सबुज ओ अन्यटे नाली कोबी। एहि नाली बंधाकोबी को बड़ बड़ होटल मानकरी सलाड और व्यंजन प्रस्तुति रे अधिक प्रयोग करिथान। आजकल फुलकोबी बा ओलकोबी भली बंधाकोबी मध्य देखिबे कि चासी माने बहुत परिमाण करचंदी। बंधाकोबी साधारणतः आमर दुई प्रकार अछि, गोटे होछि आपनकर सबुज कलर रो बंधाकोबी आ गोटे होछि आपनकर भाउलेट प्लस रेड मिसामिसी कलर से टाइप रो बंधाकोबी। तो आपनकर प्राय एटा बहुत जगह रे आद्रता लाभ करिनि, बट किछि आपनकर ओडिसा रो किछि चासी माने अछि जोटा कि एई बंधाकोबी को मध्य चाष कले कमर्सील मेथड चाष कले। जेहेतु आप शीत दिनिया बंधाकोबी चाष करते मूर्तिका हिसाब से आप चयन करा कथा आप जो दोरसा पटु मटी रही बालिया दोरसा पटु मटी रही सिलेक्शन करूँ चयन करूँ और सब वे ध्यान रखु कि मूर्तिका चयन करने पूर्व मटी परीक्षा निहत भाव में कई नियंतु। तो जदि सरल किसम जब आप चाष करते आमको निहती भाव में बालिया दोरसा मटी दरकार होता है। जब आप विलंब किसम को ने चाष हिसाब से आमको मटाण मटी हेले चाषपाई उपयुक्त होता है। मृत्तिकार जो अम्लीय अंश रोचे साधारणतः आपंकर 5.5 रु 6.5 भितर निहाती भाव में रहा दरकार। जलवायु को देखा गले साधारणतः आपंकर ये जलवायु ये जो चलती है जो क्लाइमेट यहाँ साधारणतः आपंकर कोबी चाषपी उन्नत समय साधारणतः आप जो कोबी रोचे सैटा साधारणतः आपंकर 16 रु 25 डिग्री सेलसीयस तापम्रे होता है। जदि 25 डिग्री सेलसीयस तापम्रा जब अधिका हो जाए आपंकर जो बंधाकोबी रोचे साधारणतः तार जो हेड पर्सन रोचे से भांगी जाए। तो निहत भाव में ये जो
जो टेम्परेचर चली क्लाइमेट चलती आखिर रखिक चाष करवा किसम को देखा गले साधारण जो रेड क्याबेज जो नाली कोबी जो अधिक किसम बाहानी तथा तीनो भल भल किसम रही अच्छी जमीक आपणकर आसड बेबी गोटे भल किसम अच्छी रेड एकर आप भल किसम अच्छी या छड़ा आपंकर प्राइमर आउट हूँ रेड एक्स यही चारोटी भल भल किसम रही अच्छी यहाँ आपंकर उपलब्ध हेक्टर प्रति 350 रु 400 ग्राम बिहन बा हाइब्रिड किसम हेले 150 रु 200 ग्राम बिहन दरकार जमी आमको लगे पूर्व निहाती भाव में आमको तली घेरा टे प्रस्तुत करा दरकार कारण आम बंधाकोबी को आप नर्सरी नहीं मुख्य जमी में लगे मुख्य जमी लगे पूर्व निहाती भाव में मंजी विशोधन करा दरकार आप मंजी विशोधन करने आप कैप्टन हो थीराम गुंड हो 2 ग्राम गोटे के जी मंजी पिछा मिसेबे विशोधन कर सारापर तली घेर प्रस्तुत करेंगे और तली घेर से जो गठट आप 30 दिन हो गछ आपर मुख्य जमीन में लगे उपयुक्त होता है और सदस्यप्रदा ध्यान दिखाँ आपत मुख्य जमी में लगोच्च से टाइम आप तली विशोधन करेंगे तो तली विशोधन करने आप रिडोमिल एमजेड 45 2 ग्राम गोटे लिटर पाने मिसेबे और गोटे बहल प्रस्तुत करेंगे से आपर जो बर्तमान जो तली रही से 10 मिनट पर्यटन पाने बुड़े रखिए जाकर मुख्य जमी में लगे तो आप जो टाइम तली घेरा प्रस्तुत करेंगे से टाइम को आखि आगे रखिक मनकर आपको 10 दिन पर आपको गछ लगे अच्छी तो तार 10 दिन पूर्व आखि जमी को आपड़ 3-4 थर ओड़ चाष करेंगे और शेष ओड़ चाष समय 10 केजी लेखा क्लोरोपाइरिफॉस गुंड निहाती भाव में भल भाव में आप्लाय करूँ कारण जेहतु उई और पिंपुड़ी होती एक मुख्य समस्या से निहाती भाव क्लोरोपाइरिफॉस गुंड को आप्लाय करूँ यह छड़ा आपंकर जेहतु एकर पिछा चाष करम 10-12 टन सढ़ा गोबर खत निहाती भाव में दरकार होता है मट्टी को केवे भी मटाल रहा देवे ना मट्ट को सदा सर्वदा गुंड करदे और भल भाव में समतल करदे आम साधारण दूरता मेन्टेन करके लगे तो आपड़ जब सहल किसम जब चाष कर ताले आमर गछु गछ दूरता रहा दरकार 30 सेंटीमीटर और धाड़ी धाड़ी आपन रहा दरकार 60 सेंटीमीटर और आपन जदि मध्यम विलंब किसम कर गछु गछ रहा 45 सेंटीमीटर धाड़ी धाड़ी आपन रहा 60 सेंटीमीटर तो यही दूरता को आप बजाय रखिकिना आप मेन फिल्ड में गछ लगातु जेहेतु एकर पिछा चाष कर खतसार हिसाब से साधारण आमको दरकार होता है 60 केजी जबखार जान 20 केजी फसफरस और 30 केजी पटाश दरकार होता है साधारण लगे समय आम देदे आमर 30 केजी जबखार जान 20 केजी फसफरस और 15 केजी पटाश को आम प्रयोग करवापे जो गछटी आपंकर 15-20 दिन रही है टाइम आपंकर आउ 15 केजी जबखार जान प्लस आपंकर जो पटाश जो रही आप्लाय करदे जो गछटी आप 25-30 दिन रही है से टाइम आपंकर अवशिष्टांश जो 15 केजी जबखार जान संपूर्ण भाव में आप्लाय करवा आउ गोटे कथा चाषी मैंने विशेष परामर्श सब खत सार परिचालना करने पूर्व निहाती भाव में गछ मूल को कोड़ा खसा करूँ मूल सार सह सूक्ष्म सार कि मात्रा दि जाए जमी आपर बोरन चाष करा टाइम शेष ओड़ चाष कर से टाइम 10 केजी बोराक्स आप्लाय करदे कथ जदि भी आप्लाय करना तेल आप 2 ग्राम बोराक्स गोल लिटर पाने मिसिकिना पत्र सिंचन करें या छड़ा आपंकर जब मैग्नीशियम डेफिसीयसी देखा बंधाकोबी में तेल आप मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी एकर पिछा आप्लाय करेंगे जदि भी आप्लाय करना तेल मैग्नीशियम सल्फेट 2 ग्राम गोल लिटर पाने मिसिकिना पत्र सिंचन करें यह छड़ा हरमोन आप प्रयोग करेंगे जोटा कि आपंकर जीवरलिक एसीड रोचे 5 मिलीग्राम गोटे लिटर पाने मिसेकना सिंचन करेंगे ये जो हरमोन आप सिंचन करेंगे से जोबाला आपंकर 3-4 सप्ताह गछटी हो जाए से टाइम हम हरमोन प्रयोग करेंगे जलसेचन को साधारणतः जेहतु आप शीत दिन चाष कर मटर बतर देखिए सदा सद जलसेचन करूँ तो मटर बतर देखिक प्रति 7-8 दिन व्यवधान में ही जलसेचन करेंगे और देखिए कि आपंकर जो हुड़ा जो काटिंट से हुड़ा जमी पाने बुड़बानी से हुड़ार 2/3 अंश पानी में बुड़ी रहा दरकार जलसेचन टाइम तो आखि आगे रखिकिना ही जलसेचन करेंगे आज अन्नदाता आपण सेवा सोपान रे कहा प्रश्नर उत्तर रही आसंतु जानिबा आज अन्नदाता कार्यक्रम निःशुल्क फोन सेवा माध्यम रायगढ़ जिलार विषमकटक ग्रामर चाषी मनोरंजन महापात्र से वैज्ञानिक पद्धति से चीनाबादाम चाष विषय किसी तथ्य जानवाक चाहते आसतु जानवा आम प्रस्तुति जे चीनाबादाम हूँ गोटे तैलबीज फसल अन्यतम कारण चीनाबादाम फसल साधारण ओडिशा रे माटी पानी पवन को नहीं जो भल हवा कथा फसल से चीनाबादाम अन्यतम एवं चीनाबादाम तैलबीज फसल मध्य चीनाबादाम कंट्रीब्यूशन बहुत बेसी चीनाबादाम मुख्यतः 50% तैल थाए और 28% शतकड़ा आपणकर पुष्टिसार थाए प्रथम कथा होची आमर जो बिहन आम व्यवहार करचे से बिहन विभिन्न प्रकार उपाय उपचार करवा उचित बा विशोधन करवा भी दरकार
ଚିନାବାଦାମ ଚାଷର ଅଧିକ ଅମଳ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଉନ୍ନତ ମାନର ଗୁଣବତ୍ତାର ଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଉଚିତ। ବିହନ ସାଧାରଣତଃ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଛଡ଼ା ଚୋପା ଛଡ଼ା ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଏକରକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଷ୍ଟିନ 1 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବା ଥିରାମ 1 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପକାଇ ବିହନ ଜନିତ ରୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ 2-3 ଦିନ ପରେ ବିହନ ଯେତେବେଳେ ବୁଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର ଏବଂ ଫସ୍ଫ କଲଚର 1 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 20 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ, 20 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ କଲଚର, 20 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫ କଲଚର ଦେଇ ତାକୁ ପାଣିରେ କାଦୁଅ ଭଳିଆ କରି ତାକୁ ବିହନରେ ଗୋଳେଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ବୁଣିବା। ସାର ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 8-16-16 ହିସାବରେ ଏକରକୁ ମାନେ 8 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 16 କେଜି ଫସ୍ଫରସ, 16 କେଜି ପଟାସ ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁତକ ସାର ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ପକାଇବା। ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଅନୁସାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନୁସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଲିବ୍ଡେନମ୍ ଏବଂ ବୋରୋନ୍ ବା ବୋରାକ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ପକାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମଲିବ୍ଡେନମ୍କୁ ଏମୋନିୟମ ମଲିବ୍ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟାକି 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନରେ 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଉପଚାର କଲେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଭଳି ଚିନାବାଦାମରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣଙ୍କର ଚିନାବାଦାମ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଯେଉଁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତମାନର ହୁଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ଏକକ ସାର ସିଙ୍ଗିଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯେଉଁ ଧର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ଦେବା, ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଇଁ SSP ସିଙ୍ଗିଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ପଟାସ୍ ପାଇଁ MOP ଦେବା। କାରଣ SSPରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ସଲଫର ଭାଗ ଅଛି ତାହା ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ବା ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସିଙ୍ଗିଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରତି 150 ଟଙ୍କା ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ୟୁରିଆ ହିସାବରେ 17 କେଜି ୟୁରିଆ, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିଙ୍ଗିଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ 27 କିଲୋଗ୍ରାମ MOP ପଟାସ ସାର ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଚିନାବାଦାମ ଏକରକୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କିଛି ଘାସମରା ଔଷଧ। ଘାସମରା ଔଷଧରେ ଇମେଜାଥାଇପର ଗୋଟେ ଔଷଧ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2 ୱିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲେ ତାକୁ ବହୁତ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଫ୍ଲୋରୋଫେନ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହିସାବରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଦେଉଛି। 30-35 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଓହଳ ଆସୁଛି ଚିନାବାଦାମରେ, ଓହଳ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ବା ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ା ଖୋସା ପ୍ରଥମ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ନିହାତି ଜିପ୍ସମ୍ ଦେବେ। ଏକରକୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ଜିପ୍ସମ୍ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ସଲଫର ଥାଏ, କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଖାପାଖି 22% ଏବଂ ସଲଫର ପାଖାପାଖି 18% ଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ତୈଳ ଚିନାବାଦାମରେ ଥିବା ତୈଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ବା ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦେବା ତେବେ ଫଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ, କେବଳ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଫଳ ବହୁତ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହାର ମାଟିରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଚେର ଥାଏ, ଚେରରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଥାଏ ତାହା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନେଇ ଗଛକୁ ଖୁଆଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଦୌ ୟୁରିଆ ଜାତୀୟ ସାର ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ମୂଳ ସାର ଯାହା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:00 to 5:00 ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-4194155। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି।
कार्यक्रम को एटी रखुचु काले आउ किछि नुवा तथ्य नै आसिबु देखिबा को जमारु भुलिबेनी ठीक एही समय रे विदाय दियंतु नमस्कार।